हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई रिफ्रेशिंग और कमाल की इस वीडियो के अंदर। मेरा नाम है प्रवीण और आप देख रहे हो चैनल डब्बा खोल। आज के जो वीडियो है वो रहने वाले लीफ के इन नेकबैंड्स के ऊपर। ये है रश और आज हम करने वाले इसकी अनबॉक्सिंग और रिव्यू भी करेंगे। और जल्दी से पहले कर लेते हैं इसकी अनबॉक्सिंग, फिर मैं आपको बताता हूँ सारी डिटेल इसके बारे में। तो दोस्तों, बॉक्स कुछ ऐसा देखने को मिलेगा आपको लीफ रश का और पैकेजिंग अच्छी लग रही है। वायरलेस ईयरफोन और यहाँ पर आपको कुछ फीचर्स वगैरह देखने को मिलते हैं। पीछे भी यहाँ पर कुछ फीचर्स और यहाँ पर कंट्रोल्स वगैरह दिए हुए हैं और यहाँ पर लिखा हुआ है बिंच द लीफ। अब देख लेते हैं कि बॉक्स कंटेंट के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो ये जो सारा सामान है वो देखने को मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको मिलेगा वारंटी कार्ड और बहुत छोटा सा, इसको आप स्कैन करा के अपने वारंटी को क्लेम करा सकते हो। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एक लीफ ऐप के लिए स्कैनर, जो आप डाउनलोड करोगे तो आपकी जो ऑडियो है थोड़ा सा और इन्हेंस करने में मदद करेगा उसका जो ऐप है। यहाँ पर आपको यूज़र मैनुअल मिल जाएगा और इसके साथ साथ यहाँ पर आपको एक इनकी स्टोरी या फिर अवर स्टोरी करके एक कार्ड मिलता है जहाँ पर इनके बारे में कुछ बातें लिखी हुई हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको दो पेयर जो ईयर टिप्स हैं वो भी मिल जाते हैं, छोटे बड़े आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हो। और अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपको टाइप सी का इंटरफेस भी मिल जाता है और चार्जिंग केबल भी यहाँ पर आपको मिल जाती है। छोटी जरूर है लेकिन चार्ज करने में कोई परेशानी आपको नहीं मिलेगी। इसके बाद जो हमारा मेन कंटेंट है यानी कि हमारे जो नेकबैंड हैं वो कुछ ऐसे देखने को मिलेंगे और यहाँ पर इनकी हम बात कर लेते हैं जल्दी से। पीछे का जो कंटेंट है उसको रिमूव करता हूँ फिर इसकी बात करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आपके जो नेकबैंड है कुछ ऐसे आपको देखने को मिलेंगे। अब सबसे पहले इसके लुक एंड फील की बात करते हैं और बिल्ड क्वालिटी कौन सी यूज़ कर रखी है इसकी बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर अगर आप देखोगे इस मटेरियल को तो यहाँ पर ये पूरा ही प्लास्टिक है यूज़ कर रखा है, हल्का फुल्का सॉफ्ट मटेरियल यहाँ पर यूज़ कर रखा है। फ्लेक्सिबल काफ़ी हैं और अपने अकॉर्डिंग इनको यूज़ कर सकते हो आप। और यहाँ पर जो ये चीज़ें हैं जहाँ पर आपको कंट्रोल्स और लीफ की बैजिंग मिलती है, ये पूरी तरीके से प्लास्टिक का है। और यहाँ पर आपको कंट्रोल्स वगैरह मिल जाते हैं, यहाँ पर आप प्ले पॉज नेक्स्ट प्रीवियस या फिर वॉल्यूम रॉकर का जो काम है वो यहाँ से कर सकते हो। यहाँ पर आप छोटी सी लाइट भी देख सकते हो और इसके साथ साथ इस तरफ कुछ भी नहीं है। यहाँ पर आपको माइक्रोफोन का सपोर्ट मिलता है और दूसरी तरफ यहाँ पर आपको टाइप सी वाला जो इंटरफेस है चार्जिंग के लिए वो भी मिल जाता है। तो यहाँ से आप अपने नेकबैंड को चार्ज करते हो। जबकि दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो यहाँ पर सिर्फ लीफ की बैजिंग है और प्रॉबेबली हो सकता है कि यहाँ पर आपको जो बैटरी सेक्शन है वो देखने को मिले। आगे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर आपको जो वायर मिलती है वायर की क्वालिटी अच्छी है और यहाँ पर आपको जो प्रोटेक्शन है हल्की फुल्की वो भी मिल जाती है, जिससे आपकी जो वायर है वो कटेगी नहीं, लॉन्ग लास्टिंग टाइम तक आप इसको यूज़ कर पाओगे। ऊपर ईयरफोन्स की तरफ बढ़ते हैं या फिर ईयर टिप्स की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको मैग्नेटिक टच के साथ आते हैं ये और इनको आप इस तरीके से पेयर कर सकते हो, मतलब जोड़ सकते हो। इसके साथ साथ अगर बात करूँ इसकी क्वालिटी की तो ये मेटलिक आते हैं और काफ़ी बढ़िया देखने में। और फिटिंग वगैरह मैं आपको बताऊँगा कि कैसी आती है। बाकी इसके जो ईयर टिप्स हैं वो कुछ ऐसे देखने को मिल जाएंगे और दो ईयर टिप्स आपको बॉक्स के अंदर मिलते भी हैं जिनको आप अपने अकॉर्डिंग चेंज करके यूज़ कर सकते हो। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको जो लॉक्स आते हैं ईयर लॉक्स ये भी मिल जाते हैं। तो अगर स्पोर्ट्स वगैरह की तरफ जाते हो यानी कि जिम वगैरह करते हो, रनिंग वगैरह करते हो, तो उस टाइम भी आप इनको पहन सकते हो और काफ़ी बढ़िया आपको जो सपोर्ट है वो मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये था इसका ओवरव्यू। अब इसके बाद बात करते हैं कि फीचर्स क्या क्या हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ इसकी जो फिटिंग वगैरह वो कैसी देखने को मिलती है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करूँ तो इसका जो वेट वगैरह है वो काफ़ी लाइट वेट है और वेट वगैरह शायद इसका 25 या 26 ग्राम के आसपास आपको देखने को मिलेगा। अब इसके बाद मैं फिटिंग वगैरह आपको चेक करवा देता हूँ। यहाँ पर आपको फिटिंग कैसी मिल जाती है आपके कानों के अंदर, तो यहाँ पर मैं उनको पहन लेता हूँ। और यहाँ पर जो हुक्स मिल जाते हैं इसकी वजह से जो फिटिंग है काफ़ी ज़बरदस्त आती है और कानों में एकदम अच्छी तरीके से फिट हो जाते हैं। और बाहर का जो नॉइस आइसोलेशन वगैरह है वो भी अच्छा मिल जाता है, जो ऑडियो बाहर का वो काफ़ी हद तक रुक जाता है, तो ये चीज़ अच्छी है। और मुझे बिल्कुल भी मतलब पता नहीं लग रहा कि मैंने कोई नेकबैंड वगैरह पहने हुए, इस मामले में ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको कुछ जो कंट्रोल्स वगैरह मिल जाते हैं उसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप जैसे सिंगल प्रेस करते हो तो वॉल्यूम अप डाउन का जो फीचर है वो यहाँ पर एक्टिवेट हो जाएगा। लॉन्ग प्रेस करोगे तो वो जो सॉन्ग है वो आगे पीछे या फिर नेक्स्ट प्रीवियस हो सकता है। बीच वाले बटन को अगर प्ले पॉज करना है तो यहाँ से हो सकता है। और इसको थोड़ी देर अगर आप और प्रेस करते हो तो सिरी या फिर गूगल असिस्टेंट का जो फीचर है वो एक्टिवेट हो जाता है। दोस्तों, जल्दी से बात करते हैं इसके कुछ फीचर्स की, क्या क्या आपको इसके अंदर फीचर्स वगैरह मिल जाएंगे या फिर की स्पेसिफिकेशन क्या क्या है इसकी बात करते हैं। ब्लूटूथ 5.0 की कनेक्टिविटी के साथ आते हैं और कनेक्टिविटी काफ़ी बढ़िया है। जैसे आप अपने ब्लूटूथ को ऑन करोगे फ़ोन के और ये आपके फ़ोन के साथ काफ़ी जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं, ये चीज़ मुझे अच्छी लगी। 12 घंटे का बैटरी आउटपुट कंपनी क्लेम करती है और 60-70% पे सुनोगे तो इतना कुछ बैटरी आउटपुट आपको मिल पाएगा। और इसके साथ साथ यहाँ पर आपको फास्ट चार्जिंग वगैरह भी मिल जाती है, जहाँ पर आपको 10 मिनट अगर इसे चार्ज करते हो तो 8 घंटे तक का बैटरी आउटपुट है और पूरी तरीके से चार्ज होने में सिर्फ 30 मिनट लगते हैं इसको, ये काफ़ी अच्छी बात लगी। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको 10 mm के ऑडियो ड्राइवर आते हैं सिंगल TWS के अंदर। और इसकी हम बात करेंगे ऑडियो कैसे मिलता है। इसके साथ साथ इस नेकबैंड के अंदर आपको IPX4 की रेटिंग मिल जाती है जो कि काफ़ी बढ़िया चीज़ है। और यहाँ पर आपको
स्प्लैश प्रूफ मिल जाता है और हल्का फुल्का अगर पसीना आता भी है तो उसको कोई घरवाने की बात नहीं है। अब एक चीज़ बताऊँ, यहाँ पर मुझे सबसे अच्छी बात पता क्या लगी, जब मैं इसको यूज़ कर रहा था तो मतलब मैंने देखा मतलब इसमें से कोई स्मेल वगैरह आ रही है और मैंने सूंघ के देखा तो लिटरली इसके अंदर से परफ्यूम जैसी स्मेल आती है। अभी भी इसके अंदर मतलब 3-4 दिन हो गए मुझे यूज़ करते हुए, अभी भी इसके अंदर से परफ्यूम जैसी जो स्मेल है वो आती है। मुझे नहीं पता इसके अंदर क्या डाला हुआ है, क्यों डाला हुआ है, लेकिन स्मेल करते हैं यार ये परफ्यूम जैसा और ये मतलब थोड़ा सा यूनिक चीज़ मुझे देखने को मिली। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको टाइप सी का इंटरफेस मिल जाता है और 10 mm के जो ऑडियो ड्राइवर हैं सिंगल TWS के अंदर मिल जाते हैं और ऑडियो की हम बात करेंगे कि कैसा ऑडियो आपको सुनने को मिल जाएगा, लेकिन उससे पहले हम एक कॉल को कनेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर जो माइक्रोफोन का आउटपुट है मैं आपको सुना देता हूँ कि कैसा आपको देखने मिलेगा, उसके हम बात करते हैं ऑडियो वगैरह की। तो दोस्तों अभी जो ऑडियो क्वालिटी आप सुन रहे हो वो सुन रहे हो इस माइक्रोफोन से, के बाद मैंने स्विच कर दिया इन लीव के रस्ट वाले नेकबैंड के माइक्रोफोन पर, तो आपको एक अंदाजा लग जाना चाहिए कि इंडोर कंडीशंस के अंदर इसका जो माइक्रोफोन है वो कैसा काम करता है, दूसरे इंसान तक कुछ ऐसी ऑडियो जाने वाली है इस माइक्रोफोन की। अब दोस्तों गेमिंग वगैरह भी काफी लोग पूछेंगे क्या इससे हम कर सकते हैं, जी नहीं दोस्तों गेमिंग वगैरह के लिए नहीं बने, कैजुअल गेमिंग कर सकते हो नॉर्मल वाली जिसके अंदर आपको जो लेटेंसी का इशू है वो ना देखने को मिले वो वाली गेमिंग कर सकते हो, लेकिन अगर आप ऑनलाइन गेमिंग करते हो जिसके अंदर लेटेंसी से आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो जी हाँ वो गेमिंग यहाँ पर मतलब फ्रीक्वेंटली तरीके से नहीं कर पाओगे, थोड़ा बहुत लैग आपको देखने को मिलेगा। अब दोस्तों बात करते हैं इसके ऑडियो की कि ऑडियो के मामले में ये कैसा परफॉर्म करते हैं, और सबसे पहले बात करना चाहूँगा इसके वोकल्स वगैरह की। वोकल्स वगैरह क्लियर हैं अगर आप मूवीज़ वगैरह के शौकीन हो या फिर ऑडियो भी सुनते हो, म्यूज़िक वगैरह सुनते हो, तो वहाँ पर आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और ट्रेबल यहाँ पर काफ़ी हद तक बैलेंस रखा गया है, आपको 100% पे भी ऐसा नहीं लगता कि कुछ ज़्यादा लाउडनेस आ रही है या फिर चुभने वाला जो साउंड है वो यहाँ पर आपको फील नहीं होगा। बेस क्वालिटी काफ़ी अच्छी है यहाँ पर, और ये चीज़ अच्छी कही है कि दूसरे जो नेकबैंड्स आते हैं उसके अंदर क्या होता है 100% पे जब सुनते हो तो डिस्टॉर्शन या फिर लाउड काफ़ी हो जाते हैं उसके वोकल्स और जो उसका बेस क्वालिटी है, और वो कहीं ना कहीं चुभने लगती है, इरिटेटिंग करती है। लेकिन इसके अंदर ये चीज़ अच्छी है कि चाहे आप 90% पे सुनो, 70% पे सुनो या फिर 100% पे, आपको जो ऑडियो है वो लाउड जरूर होगा लेकिन चुभने वाली जो फीलिंग है वो नहीं आएगी और किसी तरह का जो डिस्टॉर्शन वगैरह है वो चीज़ यहाँ पर आपको सुनने को नहीं मिलेगी। 10 mm के जो ऑडियो ड्राइवर हैं काफ़ी अच्छा ऑडियो यहाँ पर आपको प्रोड्यूस करके दे देते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि ये अपने प्राइस के अकॉर्डिंग वर्थ इट है या फिर नहीं है, या फिर खरीदना सही रहेगा या फिर नहीं रहेगा, इसकी बात करते हैं। सबसे पहले इसकी अच्छी चीज़ें तो मैंने बताई दी आपको कि ऑडियो अच्छा है इसका, इसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी लगी मुझे और यहाँ पर जो फीचर्स वगैरह वो भी बता दिए। लेकिन अगर मैं कमियों की बात बताऊँ तो यहाँ पर मुझे एक कमी ये लगी कि जो इसका ये वाला प्लास्टिक वाला जो मटेरियल है ये थोड़ा सा प्रीमियम हो सकता था, क्योंकि इस बजट सेगमेंट के अंदर जो नेकबैंड्स आ रहे हैं उनका जो ये प्लास्टिक वाला जो हिस्सा है उसको थोड़ा सा यूनिक या फिर थोड़ा अच्छा बनाने की कोशिश करी है कंपनी ने। बाकी और कोई ऐसी कोई बड़ी कमी नहीं लगी मुझे, बाकी हर हिसाब से ये जो नेकबैंड है अपने प्राइस के अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि काफ़ी ठीक है और ऑडियो वगैरह भी काफ़ी बढ़िया मिल जाता है यहाँ पर। तो दोस्तों ये सब कुछ था इस नेकबैंड के बारे में, और अब वक्त होता है लास्ट वीडियो के फीचर कमेंटर का। ये है कास गुरुची, और थैंक यू कमेंट करने के लिए, और ऐसे ही कमेंट करते रहिए, आपका जो नाम है मैं यहाँ लेते रहूँगा। बाकी ये वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जरूर जाना, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना। मैं मिलूंगा आपसे एक और नेक्स्ट वीडियो के अंदर।